गैलरी और अभी हम लोग रात के 9:30 बज रहे हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं मॉल रोड। आज ही हम लोग मनाली आए थे और आज ही हम लोग जा रहे हैं। और इस होटल का जो रिव्यू है मैं आप लोगों को कल दे दूँगी, कल बता दूँगी कैसे क्या है, एक दिन का हम लोगों को कितना लगा नहीं लगा। फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं मॉल रोड में, कुछ होगा बहुत ठंडा है यहाँ पर। गाइस ये होटल है जिसमें हम लोग रुके हैं। गोलगप्पा यहाँ का खाया, यहाँ के गोलगप्पे इतने वाहियात के मैं क्या बताऊँ। ये क्या था, इसने दिल्ली में मेरे साथ प्रैंक किया था। दिल्ली में लाल किले के पास इतना गंदा, गंदा नहीं बोलना चाहिए खाने की चीज़ को, बट इतना ज़्यादा टेस्ट ख़राब था ना उस गोलगप्पे का, वो इसने खाया था और मुझे बोलती वेरी टेस्टी, बहुत अच्छा ट्राई कर। हमने ट्राई की, इतना गंदा उसका टेस्ट था। आज मैंने उसके साथ वही किया, पहले मैंने गोलगप्पा खाया, इसको बोला बहुत टेस्टी है। ये जैसे आई मेरा मुंह देख के बोलती अच्छा नहीं कर। और हम लोग मॉल रोड से निकल गए, कल हम लोग सोलांग वैली जाएंगे इंशाल्लाह। और यहाँ तो बिल्कुल अंदर ये मैगी है क्या, यहाँ पर मैगी खाते हैं, भुट्टा दिख रहा है, भुट्टा है यार, सॉरी चल भुट्टा खाएंगे, भुट्टा ही खा सकते हैं। कल तो हम कैसे भुट्टा, हम लोग भुट्टा खाने के लिए आए हैं। तो एक ही लो, एक ही, इसमें हम वर्षा खा लेंगे। नोज पूरा रेड हो गया, दिख रही लाल लाल। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अरे ये अच्छे होते हैं जी, आपको सब कलर वाइज सबसे बढ़िया। हाँ जी कौन सा लिए, बहुत कंफ्यूज है। ये दे दीजिए एक और, एक दे दीजिए। और क्या क्या आपके पास? फॉल स्टोल पोंचू मफलर कैप ग्लव सेम ले लो, और सेम लेने के चाहिए पोंचू आप सेम ले लो। हां तो बेटा सेम ले लो, क्या प्राइस इसका? वो मीटिंग होगी ना, सब सेम है जी। भाई सही ले रहे हैं, 350 का बता रहे हो भैया, 300 का एक लगाया है ना, 300 है और कुछ नहीं भैया। देखिए बताइए कौन सा, ये वाला। अरे अरे रुक जाओ, हाँ ये भैया ठीक है जी, कर दिया मैंने। बाकी आप है ना जो आपकी शॉप का क्या नंबर है वैसे? आशीष कन्फेक्शनरी।
देखिए भैया कोई बात नहीं, आपको थकी खत्म कर दिया है हमारा काम होता है, कस्टमर हमारा कंफ्यूज ना हो। इसमें शॉल भी है, फिर शॉल सही था। मैंने ये उसी को बोला था, पीस आ जाएगा। ये पांच का कपड़ा है नीचे का, ये जी 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 जी। और ये इसका दुपट्टा है ना, दुपट्टा नहीं फुल साइज शॉल है। एक होता है दुपट्टा, होता है छोटा है और शॉल होता है। ये मैं भी करता हूं, ये फुल साइज का मार्केटिंग वैसे होता है। आप ही अनलिमिटेड अनलिमिटेड खाना कट 1 0 1 तो गाइस रूम पे आ गई हूँ और होटल वाले इतने अच्छे हैं ना, इतना अच्छा उनका नेचर बिहेवियर है। कल तो मैं पक्का इस होटल का रिव्यू दूंगी पूरा। और आप लोग प्लीज़ अगर आते हो तो यहाँ से ना, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बस मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। और ये लिया है मनाली से, ये मॉल रोड से लिया है मनाली, इसमें लिखा हुआ है हैंगिंग के लिए, कुछ भी की वगैरह हैंग कर सकते हो आप। और अम्मी के लिए शॉल लिया है और एक आंटी के लिए भी शॉल लिया मैंने, मतलब दो शॉल लिए टोटल। ये 350 वो बोल रहे थे बट 300 में उन्होंने दे दिया। आप लोगों ने वीडियो में भी शायद देखा होगा, रैपर थे शायद वो, और उन्होंने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया जब मैंने कहा कि मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स है। तो ये बहुत गर्म है, ये बहुत ज़्यादा। और एक ये है, मैं खोल के नहीं दिखाऊँगी, घर पर अगर जाऊँगी तो इंशाल्लाह दिखा दूँगी। तो ये अम्मी के लिए लिए हैं और सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी चीज़ मैंने ये ली है अम्मी के लिए। ये सूट है, कश्मीरी सूट भी बोल सकते हैं आप लोग इसको, बहुत प्यारा है इसका कलर और इसका डिज़ाइन, और इतना अच्छा है ना ये कपड़ा, इतना फाइन है। इसका रेट था 3350 समथिंग ऐसी कुछ था, और वो डिस्काउंट करके 2000 तो 3500 का था ना, वो लोग लिखे थे तो न्यू ईयर का डिस्काउंट था तो 50% ऑफ था, बट मैंने और ज़्यादा बार्गेनिंग कर ली क्योंकि वो भैया जो थे वो कश्मीर के थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ के हो, तो उन्होंने कहा कि मैं कश्मीर का हूँ, लोकल नहीं हूँ, मुझे लगा लोकल होंगे बट वो कश्मीर के थे। तो 1780 वो बोल रहे थे बट मैंने इसे 1500 में ले लिया क्योंकि मैं बार्गेनिंग क्वीन हूँ इसलिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, मैंने ले लिया। और ये अम्मी के लिए, मेरी अम्मी पक्का बहुत खुश होगी क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इस ड्रेस की बहुत अच्छी, बहुत प्यारा ये ड्रेस। तो ये मैंने अम्मी के लिए ले लिया और बस यही लिया। और मुझे मॉल रोड में अपने लायक कुछ चीज़ें दिखी नहीं, और ये मनाली के लिए यादगार है इसलिए लिया। और कल सुबह भी जाएंगे, फिलहाल हम लोग को अभी जल्दी सोना होगा, रात के ऑलमोस्ट 11:30 हो रहे हैं और हम लोग को जल्दी इसलिए सोना होगा क्योंकि हम लोग को कल निकलना है सिसु के लिए, अटल टनल सिसु शायद हम लोग जाएंगे कल। तो यहाँ पर जो मतलब रिसेप्शन पे जो बैठते हैं ना, जिनका ये होटल है, उनसे ही बात कर लिया हम लोगों ने, तो वही हम लोगों के लिए कैब वगैरह बुक कर देंगे। तो हम लोगों ने बात कर लिया
अब उठना है जल्दी क्योंकि हम लोगों का निकलना है 7 बजे। मुझे पता नहीं कैसे उठूंगी इतनी जल्दी क्योंकि अभी इतना टाइम हो रहा है। और हम लोगों ने रूम हीटर भी मंगवा लिया क्योंकि रूम में इतना ज़्यादा ठंडा है ना बता नहीं सकती। और यहाँ पर मॉल रोड में बर्फ नहीं है। अगर आप लोग आते हो तो आप लोग जनवरी में आओ, जनवरी में आपको दिखेगा मॉल रोड पर बर्फ। अभी नहीं है, अभी सिर्फ सिसु, अटल टनल, सोलांग वैली ये सब में। तो बस कर हम लोग सिसु जा रहे हैं। सोलांग वैली शायद हम लोग ना जाए, बट हम लोग सिसु जाएंगे क्योंकि सिसु में भी फ्रेश बर्फ मिलेगी। और स्नोफॉल का तो वो तो कुदरती बता सकता है कब स्नोफॉल होगा, देखने मिलेगा कि नहीं। तो गाइस मैं वीडियो का एंड कर रही हूँ, मिलती हूँ बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताना, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ बेल आइकन को हिट करते हुए जाना ताकि कोई भी फ्यूचर वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और मेरे ये ब्लॉग कैसा लगा वो ज़रूर बताना कमेंट पे। और मुझे मेरे और दो शॉप वाले भैया ने मेरे मतलब आज मेरे मनाली पे 2 सब्सक्राइबर हो गए और वर्षा भी वही बोल रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा बिहेवियर बहुत अच्छा सबका। तो मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।